द्वारपाल बन आए। भगवान कृष्ण ने आक्रमण किया बाणासुर के ऊपर, तो बाणासुर ने भगवान शंकर से कहा आप मेरी रक्षा करो, आप मेरे द्वारपाल। अब तो भगवान शंकर को युद्ध में आना पड़ा और भगवान शंकर अपनी संपूर्ण सेना लेकर के भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आ गए। इस युद्ध का वर्णन जो भागवत में बड़ा विलक्षण है महाराज, भगवान शंकर अकेले नहीं आए, शंकर जी आए, उनकी देवी दुर्गा आ गई अपने सिंह पर सवार होकर अपनी सेना लेकर, गणेश जी महाराज अपनी संपूर्ण सेना लेकर के अतिकेय भगवान आ गए, और इधर से भगवान अकेले अपनी सेना लेकर। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान शंकर की संपूर्ण सेना को भगवान ने पराजित कर दिया। को जब शंकर वास माहेश्वर ज्वर छोड़ दिया, माहेश्वर ज्वर जिसको आज की भाषा में कहते हैं मलेरिया बुखार, मलेरिया का फीवर, वो माहेश्वर ज्वर उसी को कहा गया है शास्त्र, वो माहेश्वर ज्वर छोड़ दिया महाराज। जैसे आज के समय में सारी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए एक भय का विषय बना हुआ है, बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं कि आने वाले समय में जैविक युद्ध होगा, युद्ध में कोई बम नहीं चलाएगा, एक देश दूसरे देश के ऊपर ऐसे विषाणु छोड़ देगा कि उस विषाणु से ऐसे रोग उत्पन्न हो जाएंगे कि प्रजा अपने आप मर जाएगी, लोग मर जाएंगे। और इसी की कल्पना कोरोना के संदर्भ में की गई थी, आपने देखा होगा कि चाइना ने बदमाशी की और कोरोना के वायरस को छोड़ा, सारी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। ये विज्ञान आज जिसको हम समझ रहे हैं ये लाखों वर्ष पुराना। भगवान शंकर ने भी भगवान कृष्ण की सेना के ऊपर माहेश्वर ज्वर, मलेरिया बुखार के जो विषाणु थे उनको छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण सेना थर 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 कांपने लगी माहेश्वर ज्वर के कारण। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा, अब इस माहेश्वर ज्वर से बचने के लिए वैष्णव ज्वर का प्रयोग करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णव ज्वर छोड़ा और वैष्णव ज्वर के जो विषाणु थे उन विषाणुओं को भगवान ने जब छोड़ा तो वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को समाप्त कर दिया। जैसे एक शस्त्र दूसरे शस्त्र को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा छोड़े गए वैष्णव ज्वर के द्वारा माहेश्वर ज्वर शांत हो गया। जब माहेश्वर ज्वर शांत हो गया तो माहेश्वर ज्वर ने प्रार्थना की भगवान से, उस बुखार ने स्तुति की, उस बुखार के विषाणुओं ने स्तुति की। ये भागवत में ज्वर की स्तुति है, ज्वर उवाच, ये ज्वर स्तुति कर रहा है। ज्वर उवाच क्या कहता है, नमामि त्वानंत नमामि त्वानमनंत शक्तिम परेशम सर्वात्मनम केवलम ज्ञप्तिमात्रम विश्वोत्पस्थ स्थान संरोध हेतुम यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। हे भगवान, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, आप अनंत शक्ति हैं, आप परेश हैं, कालो दैवम कर्म जीव स्वभावो द्रव्यम क्षेत्रम प्राण आत्मा विकार तत्संघातो बीजरोह प्रवाह तन्मायेषा तन्निषेधं प्रपद्ये। हे भगवन, ये संसार का सारा प्रपंच जो है आपकी माया के द्वारा विरचित है और सब का निषेध करने पर जो शेष बचता है वो आप हो। सबके निषेध करने पर जो अशेष है, जो बच जाए, उसी का नाम ब्रह्म परमात्मा। इसीलिए वेदों में निषेध के द्वारा ब्रह्म का बोध कराया जाता है। निषेध का मतलब न इति न इति न इति, बोले ये ब्रह्म, बोले नहीं ये ब्रह्म, बोले नहीं ये ब्रह्म, बोले नहीं, बोले साप के नहीं करने के बाद जो बचे वो क्या, बोले वही ब्रह्म। ये निषेध वृत्त्या ब्रह्म का निरूपण है वेदांत में। नेति नेति जेहि निगम निरूपा। ज्वर ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और फिर भगवान ने कहा ठीक है जाओ, मैं वरदान देता हूं, जो व्यक्ति इस कथा का स्मरण करेगा उसको माहेश्वर ज्वर पीड़ित नहीं करेगा। ये एक प्रकार की औषधि है, किसी को मलेरिया बुखार हो जाए और दवा देने पर भी टेम्परेचर न उतर रहा हो तो भागवत के इस प्रसंग का पाठ करे अथवा इसका चिंतन करे तो उसका बुखार घट जाता है। चिकित्सा भी कई प्रकार की होती है, तांत्रिक मांत्रिक औषधीय अनेक प्रकार की चिकित्सा का शास्त्र में वर्णन है। चिकित्सा केवल औषधि से ही नहीं होती, मंत्र से भी होती, तंत्र से भी होती है,
और आयुर्वेद शास्त्र में तो सबका वर्णन है। हमारे यहाँ आयुर्वेद शास्त्र में चरक ने, सुश्रुत ने, माधव ने अपने ग्रंथों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में जो वर्णन किया है उठा करके पढ़ लेना। औषधि का भी वर्णन किया है कि अमुक औषधि खाने से अमुक रोग ठीक होता है, और मंत्रों का भी वर्णन किया है आयुर्वेद में। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से सुगर की बीमारी, मधुमेह दूर हो जाता है, ये लिखा है। पुरुष सूक्त का पाठ करने से ज्वर शांत हो जाता है। और यहां तक लिखा है कि नास्तिक बुद्धिम जहियात, अगर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, हम बीमार न हो, हमें कोई बीमारी न हो, तो सबसे पहली दवा उसको क्या करनी चाहिए? बोले सबसे पहली दवा है उसको आस्तिक बनना चाहिए। ये आयुर्वेद ने कहा। आयुर्वेद में, आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं नास्तिक बुद्धिम जहियात, अगर आप नास्तिक होंगे तो आप ज्यादा बीमार होंगे, आप रोगग्रस्त होंगे। अगर आप आस्तिक हैं तो आधा रोग तो आपका ऐसे ही भाग जाएगा। इसलिए नास्तिकता से दूर रहकर जो आस्तिक होगा वो स्वस्थ होगा। तो आयुर्वेद में सब प्रकार की चिकित्सा का वर्णन है, तंत्र चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, औषधीय चिकित्सा। तो यह भी एक चिकित्सा है, किसी को बुखार हो तो इस प्रसंग का पाठ करे तो उसका बुखार घट जाता है, उसे स्वास्थ्य लाभ होता है। योनौ स्मरति संवादम तस्यत्वन्न भवेद भवेन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माहेश्वर जर, यो नौ स्मरति संवादम, इस संवाद को, इस कथा को जो स्मरण करेगा, तस्य तन्न भवेद भयम्, उस व्यक्ति को तुम्हारे द्वारा कोई भय नहीं होगा। ये भगवान का वचन है भागवत में, कृष्ण भगवान का। इत्युक्तो अच्युत मानस मानम्य गतो माहेश्वरो ज्वरः। माहेश्वर ज्वर ने कहा, माहेश्वर ज्वर ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके माहेश्वर ज्वर चला गया। भगवान शंकर ने बाणासुर को पकड़ लिया। ओ, भगवान कृष्ण ने बाणासुर को पकड़ा और अपनी तलवार निकाली। भगवान शंकर सामने आकर के खड़े हो गए। भगवान शंकर ने कहा, हे नाथ, मैं आपको रोक नहीं मारूंगा, केवल मैं इसके अभिमान को नष्ट करूंगा। इसकी जो भुजाएं इसके लिए भार बन गई हैं, ये 1000 भुजाएं इसके लिए भार बन गई हैं। और कल्पना करो, या वास्तव में भार ही रहा होगा, केकड़ा जैसी मारे कई भुजाएं निकली रहें, वो आदमी कैसे सोता होगा, कैसे बैठता हो। रावण तो तब भी साधारण था, उसके 20 ही भुजा थी, लेकिन इसके तो 1000 थी। भगवान ने कहा, इसकी भुजाएं इसके अभिमान का कारण है, और इसके अभिमान को नष्ट करने के लिए इसकी भुजाओं को मैं काट दूंगा और इसका अभिमान नष्ट करूंगा। चिच्छेद भगवान बाहून शाखा यव वनस्पति। जैसे कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की फैली हुई डालियों को छांट देता है, उसी प्रकार भगवान ने अपनी तलवार के द्वारा, नंदक खड्ग के द्वारा बाणासुर की 996 भुजाओं को काट दी, 4 भुजाएं छोड़ दी, बाणासुर का अभिमान समाप्त हो गया। भगवान ने कहा शंकर जी से, भोलेनाथ, इसको मैं वैसे भी नहीं मारता। बोले क्यों? क्योंकि इसके परबाबा को मैंने वचन दिया है। बाणासुर के परबाबा कौन? बोले प्रहलाद जी। प्रहलाद जी को भगवान ने वचन दिया था कि बेटा, आज तो क्रोध में मैंने तेरे पिता का वध कर दिया, हिरण्यकश्यपु को मार दिया, लेकिन आज मैं वचन देता हूं, आज के बाद तुम्हारे वंश में कोई भी पैदा होगा, अगर वो तुम्हारा संबंधी है तो मैं उसका वध नहीं करूंगा। ये भगवान ने स्पेशल वरदान दिया था प्रहलाद जी। इसलिए भगवान कहते हैं कि अवध्यो यम ममापेश वैरोचनि सुतो सुरः, प्रहलादाय बरो दत्तो न बध्यो मे तवान्वयः। भगवान शंकर जी से कहते हैं, मैंने प्रहलाद को वचन दिया था कि तुम्हारे वंश में उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति का मैं वध नहीं करूंगा, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूं। भगवान ने बाणासुर को छोड़ दिया, बाणासुर प्रसन्न हो गया। बाणासुर ने अपनी बेटी उषा का विवाह भगवान के पौत्र के साथ कर दिया। अनिरुद्ध जी महाराज उषा को लेकर के आए, द्वारिकापुरी में परम आनंद हुआ। इस प्रकार भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह हुआ। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन भगवान के पुत्र, भगवान के जो सब बेटे थे, सब द्वारिका के एक उपवन में खेल रहे थे।
उसी समय उसी उपवन में एक कुआं था। उस कुआं के पास खेलते खेलते ये बालक पहुंचे, सोचा इस कुएं में पानी होगा, पीने की इच्छा थी, प्यास लगी थी। जाकर के कुआं में देखा तो उस कुआं में पानी नहीं था। जलम निरुदके कूपे ददृशु सत्वम अद्भुतम, पानी से रहित उस कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट दिखाई पड़ा, क्रिकलास, वो छिपकली जैसा जो एक जीव होता है, कभी हरे रंग का दिखता है, कभी लाल रंग का दिखता है, उसको गिरगिट बोलते, संस्कृत में उसको क्रिकलास कहते हैं। बड़ा विशाल काय क्रिकलास उस कुएं के अंदर दिखाई पड़ा। बच्चों ने कोशिश की उसको बाहर निकालें, लेकिन निकाल नहीं पाए। तो जाकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण ने उस क्रिकलास को बाहर निकाला। ज्यों ही भगवान ने उस गिरगिट को, क्रिकलास को बाहर निकाला, भगवान का स्पर्श होते ही वो उसका शरीर बदल गया, दिव्य राजा के रूप में प्रकट हो गया, पीतांबर मुकुट धारण किए हुए और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। माधवम प्रणिपत्याह किरीटे नारक वर्चसा, भगवान माधव के चरणों में, भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया उस राजा ने। तो भगवान ने पूछा तुम कौन हो, तो उस राजा ने कहा नृगो नाम नरेन्द्रोहम इक्ष्वाकुतनय प्रभो, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूं। रघुकुल के जो राजा थे महाराज इक्ष्वाकु, वो मनुवंश के सूर्य वंश के राजा इक्ष्वाकु रघु के पहले थे, उन्हीं इक्ष्वाकु के पुत्र महाराज नृग थे, बड़े धर्मात्मा थे और ये बहुत बड़े दानी थे। रोज 100,000 गाय का दान ब्राह्मणों को नित्य करते थे, नहा धोकर के तैयार हो और पहले गोदान करते थे ब्राह्मणों को, तब जलपान करते थे। महाराज नृग ने कहा भगवन मैं प्रतिदिन गोदान करता था, एक दिन मैंने गोदान किया, एक ब्राह्मण को गाय दी और वो ब्राह्मण गाय को लेकर के गया और संयोग से उन गायों में से एक गाय ब्राह्मण के घर से निकलकर फिर मेरी गौशाला में आ गई और मेरे सेवकों को ये पता नहीं चला। दूसरे दिन फिर जब गायों का दान करने के लिए मैं तैयार हुआ तो मेरे सेवकों ने गायों को सजा करके उपस्थित किया, उसमें वो भी गाय आ गई और मैंने किसी दूसरे ब्राह्मण को उस गाय का दान कर दिया। तब तक वो पिछले दिन वाला ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते आ गया। अब दोनों ब्राह्मण में झगड़ा शुरू हो गया, वो कहता ये गाय मेरी, वो कहता मेरी, और दोनों अपने अपने जगह पर सही थे। उसने कहा महाराज ने इस गाय का दान कल मुझे किया था और ये ब्राह्मण कह रहा था कि इस गाय का दान महाराज ने अभी अभी हमको किया है। दोनों की बात सत्य थी और दोनों आपस में झगड़ने लगे। मैं कभी उनको देखता कभी उनको देखता, अंत में झगड़ते झगड़ते दोनों ब्राह्मणों को क्रोध आ गया और दोनों ब्राह्मणों ने कहा राजन तुम बहुत बड़े दानी बनते हो, दान देकर के ब्राह्मणों में झगड़ा करा दिया और अब सिर घुमा रहे हो, कभी इधर देखते हो कभी उधर देख रहे हो, रंग बदलते हो, जाओ क्रिकलास हो जाओ, गिरगिट हो। लाख गाय का दान करने वाला वो राजा थोड़ी सी असावधानी के कारण गिरगिट योनि को प्राप्त हो। चरणों में गिर करके प्रार्थना की मेरा उद्धार कब होगा। उन ब्राह्मणों ने कहा जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो भगवान श्री कृष्ण के करारविंद का स्पर्श होते ही तुम शाप मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त कर लोगे। तो हे भगवान आज आपके द्वारा मेरे ऊपर कृपा हुई और मैं इस पाप योनि से मुक्त होकर दिव्य लोक को जा रहा हूँ। महाराज नृग ने भगवान को प्रणाम किया और महाराज नृग विदा हो गए। अब तो भगवान अपने पुत्रों को लेकर के आए, पुत्रों ने इस दृश्य को देखा, भगवान के जितने बालक थे नाती पोता सब थे, सबने देखा और इस घटना को। अब सब बच्चों को लेकर के भगवान आए दरबार में और सबको बैठाया एक साथ, बोले सब बैठो, अपने बच्चों को नातियों को पोतों को सबको, और बैठा करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा आज मेरी बात सावधानी से सुनो। भगवान जानते थे
कि मेरे यदुकुल का विनाश जब कभी भी होगा तो ब्राह्मण के साप से ही होगा, दूसरे किसी में तो हिम्मत नहीं है कुछ करने की। दुनिया का कोई क्षत्रिय मेरे वंश का संहार कर नहीं सकता और किसी में साहस नहीं है, देवता मेरे वंश का उच्छेद कर नहीं सकते। जब भी कभी यदुवंश का उच्छेद होगा तो ब्राह्मण के शाप से ही होगा, और ये तय था। लेकिन भगवान ने सोचा कहीं ये मेरे बालक, ये नाती पोता अभिमान में आकर, गर्भ में आकर कहीं इतने उच्छृंखल न हो जाएं कि समय से पहले ही इनका विनाश न हो जाए, इसलिए इनको शिक्षा देनी चाहिए। और भगवान ने अपने समस्त पुत्र पौत्रों को बुलाया और बैठा करके कहा, देखो आज की इस घटना से शिक्षा ले लो। बच्चों ने कहा, क्या शिक्षा? तो भगवान कहते हैं कि नाहम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। भगवान कहते हैं पुत्रों, हालाहल विष जो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था उसको सारी दुनिया विष मानती है, लेकिन हे पुत्रों, ब्राह्मण का धन हालाहल विष से भी ज्यादा भयानक है। अगर ब्राह्मण के धन का तुमने जीवन में हरण किया तो तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। ब्रह्मस्व ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर भुवि, उसका कोई प्रतिकार नहीं। इसलिए हे पुत्रों, इस राजा की गति को देखो। एक ब्राह्मण को दी गई गाय, दिया तो राजा ही ने था, लेकिन दे देने के बाद वो वस्तु अपनी नहीं रह जाती। दान देने वालों को भी सावधान रहना चाहिए। दान देने के बाद भी अगर तुम्हारे मन में कहीं ये भाव है कि ये मैंने दिया है, बोले तुम्हारा दान नष्ट हो जाए। दान का मतलब है दा और न, दिया अब उसे भूल जाओ, न अब वो तुम्हारा नहीं है, दे दिया, इसीलिए तो उसका नाम दान है। और दान देने के बाद भी अगर ये भावना बनी रही कि हमने दिया है, हमने किया है, बोले तब, बोले वो दान नष्ट हो जाए। मुझे एक घटना याद आती है, आज से लगभग 20 वर्ष पहले हमारे यहां अयोध्या में आश्रम में एक सज्जन आए, बिहार से आए थे। उनके गांव में हम लोग जाया करते थे, तो गांव के लोग वहां से गेहूं चावल दाल ये सब भेजते थे आश्रम में भोग लगाने के लिए, सेवा के। एक बार वो अयोध्या आए, सावन का महीना था, झूला का उत्सव चल रहा था। शाम को जब भोजन हो रहा था, भोजन प्रसादी, तो मैं ही भोजन परोस रहा था, दाल परोस रहा था। संजोग से उस दिन दाल पतली बनी थी, साधु के यहाँ तो दाल पतली ही बनती है क्या महाराज? अब तो पहले तो महाराज साधु के यहाँ जो दाल बनती थी आश्रमों में, इतनी पतली की डुबकी लगा करके खोजो तो एक दाल नहीं मिलेगी उसमें, ऐसी पतली दाल बनती। इसीलिए महात्मा लोग भोजन करने के लिए एक कटोरा रखते थे, क्यों बोले दाल बह न जाए, वो भात में डालते ही पानी अलग चावल अलग, इतनी पतली दाल बनती थी, क्योंकि दाल महंगी भी होती थी। और दाल पतली इसलिए महात्मा लोग उपयोग करते थे कि दाल अधिक खाने से घुटनों में दर्द होता है, सारी समस्या पैदा होती दाल के कारण ही, यूरिक एसिड बनता है उससे। इसीलिए दाल जितनी पतली खाई जाए उतनी ही सुपाच्य होती है और गुणकारी होती है। इसीलिए दाल के पानी को लोग पीते हैं, कहते हैं महाराज दाल का पानी पियाओ ये पचेगा, ये लाभकारी है। तो दाल तो पानी जैसी होनी चाहिए महाराज, पानी जैसी दाल बनी थी, अरे बहुत पानी भी नहीं थी, लेकिन साधु के यहाँ दाल तो ऐसे बनती। हम लोग इतना देते हैं अपने गांव से अन्न, और यहाँ आने पर हमको इतनी पतली दाल आप बनाकर खिला रहे हैं, हमारे देने का क्या मतलब निकला? हमको बड़ा गुस्सा आया महाराज, हमने बाल्टी उन्हीं के सामने रख दिया, परोस रहे, हमने रख दिया और कहा महाराज अगर आपने दान दिया है तो आपको भूल जाना चाहिए कि मैंने दिया है, और अगर आप इसको होटल समझते हैं कि ये मठ नहीं होटल है और होटल में मैं भुगतान करता हूं अथवा देता हूं तो हमको उतनी सुविधा मिले, तो इससे अच्छा है आप किसी होटल में चले जाया कीजिए, आश्रम में आने की आवश्यकता नहीं। आश्रम में तो आप आओ, सेवा करो और जो प्रसाद मिले उसे पा करके प्रसन्न हो जाओ, आश्रम का तो ये मतलब है। लेकिन आश्रम में आपने अगर दान किया, कुछ दिया, उसके बाद आपका अभिमान आपके सिर चढ़ करके बोले कि हम इतना देते हैं तो मेरे जाने पर मेरा खूब स्वागत हो,
जैसे दामाद का स्वागत होता वैसा स्वागत हो मेरा, बोले तब आपका वो दान व्यर्थ हो जाएगा, उस दान का पुण्य नहीं होगा। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा सात्विक दान क्या है। दान भी तीन प्रकार का होता है, राजस, तामस और सात्विक। सात्विक दान क्या है? बोले दातव्यमिति यत् दानम दीयते नुपकारिणी। गीता के 18वें अध्याय भगवान कहते हैं दातव्यमिति यत् दानम, हमको दान करना चाहिए ये सोच करके, कर्तव्य समझ करके जो दान कर रहा है। पहला पॉइंट दातव्यमिति यत् दानम और दीयते अनुपकारिणी, जिसको हम दे रहे हैं उससे हमें जीवन में कभी उपकार की कोई अपेक्षा न हो। ये नहीं कि हम इनको दान करें तो समय पे मेरे काम आएंगे, ये भावना अगर है, उपकार की भावना है कि इसके बदले में हमें कोई बेनिफिट मिलेगा इस लोक में, तो फिर वो दान सात्विक नहीं रहे। दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे।